ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। और शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और ये टॉपिक हमारा जो है, ये अब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग से बाहर निकल आए हैं। तो ये टॉपिक ग्रीडी एल्गोरिदम्स के बारे में है। तो ग्रीडी एल्गोरिदम का हम थोड़ा सा हालात तो वाकया देखते हैं, ग्रीडी एल्गोरिदम के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। नाम तो आपने ऑब्वियसली सुना हुआ होगा। इसमें जैसा कि आप पहले पॉइंट को यहां पे देख रहे हैं, इसमें जब कोई भी आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा तो नो डाउट हमने अपने प्रॉब्लम को टुकड़ों में बांटा हुआ होगा, जैसे कि आपका कोई डिवाइड एंड कंकर वाली अप्रोच है। तो वो जो टुकड़े होंगे आपके, हर टुकड़ा आपको कोई ना कोई, हर जो उसके अंदर पीस है, टुकड़ा है, वो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन देगा। तो आपने उस प्रॉब्लम को टुकड़ों में तो बांटा हुआ होगा और हर टुकड़े का आप सोल्यूशन ढूंढेंगे, और हर टुकड़े का जो सोल्यूशन होगा वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही बेनिफिशियल होगा एज कंपेयर टू अदर सोल्यूशंस। अब अगर आप उस टुकड़े के और भी सोल्यूशंस निकालते हैं तो उन तमाम सोल्यूशन में वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और सबसे और अप्रोच बड़ी क्लियर होगी। तो इस तरह तमाम अगर टुकड़ों का आप सोल्यूशन ढूंढते जाएं जो कि बड़ा बेनिफिशियल हो, जो कि सबसे ज़्यादा बेहतर हो, सबसे ज़्यादा आप कह लें थोड़ा सा ऑप्टिमल हो, तो इन टुकड़ों को जब आप इकट्ठा करेंगे तो फाइनली प्रॉब्लम का आपके पास बड़ा फाइनली एक मोस्ट बेनिफिशियल और मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन सा आ जाएगा। तो पहले पॉइंट में तो हम यही बातें कर रहे हैं कि ग्रीडी अप्रोच में कुछ इस तरह का, ग्रीडी एल्गोरिदम में कुछ इस तरह की अप्रोच होती है। तो जब इस तरह की अप्रोच हो तो आप इस फिर ग्रीडी अप्रोच को ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी तो वही है और एक बहुत बड़ा डोमेन है एल्गोरिदम्स के अंदर, ऑप्टिमल एल्गोरिदम्स। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई सबक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ चुके हैं तो उन्होंने देखा होगा कि वो पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर पढ़ते हैं, लोकल एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में भी ये ग्रीडी अप्रोच बड़ी यूजफुल है, बशर्ते के उसमें ये वाली प्रॉपर्टी हो कि आप हर स्टेप में जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके हर स्टेप में आप किसी एक पीस का, एक टुकड़े का आप बेस्ट रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट कर चुके हों, और फिर इस तरह उनको इकट्ठा करते जाएं तो फाइनली प्रॉब्लम का आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। ये दोनों ऑलमोस्ट एक बातें हैं, दोनों पॉइंट्स। जिक्र करने का मकसद यह है कि चूंकि लिटरेचर में एग्जिस्ट करती हैं तो जब हम ग्रीडी एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं तो वो बड़ी उसमें ग्रीडी अप्रोच होती है, बड़ी वो जैसे उर्दू में लालच वाली बात है कि एल्गोरिदम हर वक्त वो वाली चीज़ लेके आता है जिसमें ग्रीड नज़र आती है। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में उसी तरह की अप्रोच है लेकिन एग्जिस्ट करती है कि वो बड़ा ऑप्टिमल सोल्यूशन लेके आएगा, उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ले होंगे उसमें से ऑप्टिमल। ग्रीडी में ये होता है कि वो हर वक्त ग्रीड वाली अप्रोच होती है तो कहीं ना कहीं गलती कर जाता है वो, लेकिन ऑप्टिमल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में फिर वो उस तरह की गलती के चांस नहीं होते, लेकिन अप्रोच सेम है। ऑप्टिमाइजेशन फोकस करती है कि जो बेस्ट अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं उसमें से जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो वही लेकर आए, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर।
ग्रीडी एल्गोरिदम में भी डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन हमारी जो अप्रोच है वो ग्रीड वाली है। आगे आप देखेंगे कि कई एप्लीकेशंस के ऊपर जब हम ग्रीडी एल्गोरिदम लगाते हैं तो कईयों के ऊपर तो वो बड़ा बेहतरीन काम करता है और कई के ऊपर वो नहीं करता। और एआई में जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे ग्रीडी एल्गोरिदम को हमने वहाँ भी डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। और एक हम वहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ की वो कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं जिसमें बहुत से शहर दिए होते हैं रोमानिया के, और उसको कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि ग्रीडी अप्रोच फॉल्स हो जाती है, लेकिन फिर दूसरी अप्रोच जब हम लोग ऑप्टिमाइजेशन पे जाते हैं तो वो बेहतर रहती है। एनी हाउ, अब ये एक ऐसा मसला है जिसको एग्जाम्पल दिए बगैर शायद थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो, लेकिन फिर भी अभी शॉर्टली इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आप जेहन में रखें कि ग्रीडी एल्गोरिदम्स और ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम कोई मिलती जुलती अप्रोच है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम ग्रीडी अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में ऑप्टिमल रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, और ग्रीडी एल्गोरिदम्स अप्रोच में ग्रीडी टाइप रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं लेकिन वो गलत हो सकते हैं। तो हम अपनी डिस्कशन को यहीं छोड़ते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। इसको हम पढ़ लेते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को। एट एवरी स्टेप, इसके अंदर प्रॉब्लम में हर स्टेप के अंदर वी कैन मेक ए चॉइस, हम एक जो चॉइस बनाते हैं और वो हमें उस वक्त बेहतरीन नज़र आ रही होती है उस वक्त। और इस तरह वो हर स्टेप, जब तमाम स्टेप्स कंप्लीट होते हैं तो वो आपके पास कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका होता है कंप्लीट प्रॉब्लम का। और भी कुछ फर्क है, पीछे रिजल्ट को स्टोर करना है या नहीं करना, इसी तरह ग्रीडी में भी पीछे तमाम रिजल्ट्स को स्टोर करना है या नहीं करना, और भी बहुत सी कहानियां हैं जो कि इस वक्त नहीं हो सकती, वो अलग अलग ही हो सकती हैं। तो अभी हमारा फोकस ग्रीडी पे है तो हम ग्रीडी के ऊपर ही फोकस रखेंगे। अच्छा, जनरली, ये जनरल स्टेटमेंट है, जनरली पॉइंट नंबर वन, ये हमारी जनरल स्टेटमेंट है कि जो ग्रीडी एल्गोरिदम्स हैं वो बाकी अप्रोचेस से थोड़ा सा बेहतर है। इससे पहले हम जरा डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, तो फिर हम यहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि ग्रीडी अप्रोच जो है वो हमारी डायनामिक प्रोग्रामिंग से कदरे बेहतर उसके रिजल्ट आते हैं। ये जनरल स्टेटमेंट है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, जनरली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो कहता है कि इसके अलावा फिर कोई जिक्र करता है कि जो ग्रीडी एल्गोरिदम्स हैं वो जरूरी नहीं है कि हर वक्त अप्लाई किए जा सके, जैसे कि फ्रैक्शनल नैपसैक का प्रॉब्लम जो आपने पिछले कोर्स में पढ़ा होगा, आपने पिछली डिग्री में या पिछले प्रोग्राम में, तो उसमें फ्रैक्शनल नैपसैक जो है वो उसको ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम जो जो उसको ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व नहीं किया जा सकता। एनीहाउ, ये सिर्फ अब 0-1 नैपसैक में तो 0 और 1 ही वैल्यूज हैं, और फ्रैक्शनल में वो जैसे कि फ्रैक्शनल 2.5, 3.5, 4.5 इस तरह की वैल्यूज हो जाती हैं। एनीहाउ, तो फ्रैक्शनल नैपसैक के लिए तो ग्रीडी काम करता है, लेकिन 0-1 के लिए ग्रीडी काम नहीं करता सही तरह। काम, जब मैं कहता हूँ कि काम नहीं करता, इसका मतलब है कि उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते, और कोई मकसद नहीं है, वरना चलता तो है वो, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तो अभी हम ये सिर्फ ग्रीडी एल्गोरिदम के बारे में ऐसे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन ही गैदर कर रहे हैं। अब ग्रीडी एल्गोरिदम्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है या कहाँ कहाँ पे चल चुका है, तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे आपको नंबर वन पे नज़र आ रही है कि क्रूस्कल्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री, MST। इसमें हम कोई ट्री बनाते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और यहाँ इनके बारे में सिर्फ जस्ट ब्रीफली हमने थोड़ा बहुत नॉलेज गैदर करना है इन एल्गोरिदम्स के बारे में, और फिर इन तमाम एल्गोरिदम्स का जिक्र करने के बाद हम अपने हमने ग्रीडी अप्रोच के अंदर कौन से दो एल्गोरिदम करने, एक हम करना है एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम और दूसरा हमने हुफमैन कोडिंग करना है। आप देखेंगे हुफमैन कोडिंग और ये दोनों, तो
तो हैं बहुत से, लेकिन उसमें से हम सिर्फ दो ही करेंगे। तो यहाँ पे हम एक MST बनाते हैं, एक ट्री बनाते हैं, और उस ट्री बनाने कैसे बनाते हैं कि हमारे पास जो वर्टिसेस होते हैं, नोड्स होते हैं, या उन नोड्स के दरमियान जो एजेस होते हैं, वो वन बाय वन हम पिक करेंगे। ट्री के एजेस वन बाय वन पिक करेंगे, और हमारी अप्रोच ये होगी कि हम उस एज को सिलेक्ट करें जिसका वेट छोटे से छोटा हो, स्मॉलेस्ट वेट हो, जिसका जिस एज का वेट छोटे से छोटा हो उसको हम सिलेक्ट करते हैं। और एजेस सिलेक्ट करते हुए ट्री बनाते जाते हैं, और छोटे से छोटा जब हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम एक बात का ख्याल रखते हैं कि वो ट्री के अंदर साइकिल क्रिएट ना करे, साइकिल क्रिएट ना करे। तो ये कोई होता है क्रूस्कल्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसी तरह प्रिंस मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात करेंगे तो इसमें भी ट्री ही बनाते हैं, इसमें भी उसी तरह एजेस जो हैं वन बाय वन ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हम दो सेट बनाते हैं, दो सेट बनाते हैं। एक सेट वो होता है जिसके अंदर जो वर्टिसेस हैं या जो नोड्स हैं वो MST के अंदर आप शुरू में कोई इनिशियलाइजेशन में या MST के अंदर जो नोड आ चुके होते हैं उनका उनका सेट है। MST जो ट्री बनानी है आपने उसके अंदर जो नोड्स कंसिडर हो चुके हैं एक सेट उनका होगा, और दूसरा सेट होगा जो नोड्स अभी आपने कंसिडर नहीं किए, जो ट्री के अंदर अभी इंक्लूड नहीं हुए। तो ये दो सेट हैं, और चॉइस हमारी क्या होगी, ग्रीडी चॉइस ये है, इसको जब हम एजेस पिक कर रहे होते हैं तो हमारी चॉइस ये होती है कि हमने स्मॉलेस्ट वेट एज ही हमने सेलेक्ट करना होता है, और वो सिलेक्ट करके इन दो नोड्स को, इन दो सेट्स को कनेक्ट करते हैं। यानी कि फिर क्या हो जाएगा कि वो नोड्स जो कि इंक्लूडेड नहीं हैं उनको फिर आप कंसिडर करते हैं कि ये MST में अब ये आ गया स्मॉलेस्ट वेट वाला, जब आ गया तो वो उस सेट से दूसरे सेट में चला जाता है, यानी कि वो ट्री का पार्ट बन जाता है। पहले वो ट्री का पार्ट नहीं होता, फिर वो ट्री का पार्ट बन जाता है, और इस तरह करते करते आपकी ट्री मुकम्मल हो जाती है। तो ये प्रिम्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी कोई चीज़ है जो कि ग्रीडी एल्गोरिदम्स या ग्रीडी अप्रोच के अंडर आती है। इसी तरह फिर डायक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ, ये आपने श्योरली पिछले कोर्स में पढ़ा होगा, इंशाल्लाह डिटेल से इसको इस कोर्स में भी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, आगे देखेंगे जब इसकी बारी आएगी। तो ये डायक्स्ट्रा जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये पिछले एल्गोरिदम प्रिम्स एल्गोरिदम, ये जो आपने पिछली स्लाइड में देखा ये प्रिम्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला, ये बिल्कुल वो कहता है कि जी उसी तरह ही है इसमें, लेकिन हम कोई शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हैं या शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बिल्ट करते हैं, और वो भी एज बाय एज ही करते हैं। इसमें भी दो सेट ही मेंटेन करते हैं, एक सेट ए होता है, दूसरा सेट बी होता है। सेट ए कौन सा है, जिसके अंदर वो नोड्स हैं जो आप ट्री के लिए कंसिडर कर चुके होते हैं, और सेट बी के अंदर वो नोड्स होते हैं जो अभी आपने कंसिडर नहीं किए, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये पिछले प्रिम्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री में था। अच्छा, अब इसमें ग्रीडी चॉइस क्या है, वे बिल्कुल उसी तरह ही कि आपने वो वाला एज पिक करना है जो दो सेट्स को तो कनेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन स्मॉलेस्ट वेट पाथ होगा, स्मॉलेस्ट वेट पाथ। इसमें एक कंडीशन और हो जाती है कि फ्रॉम सोर्स, सोर्स से जहां से सिलसिला शुरू हुआ था, इनिशियल स्टेट से, इनिशियल नोड से, वहां से शुरू हो जाएगा, फ्रॉम सोर्स टू द सेट बी वर्टिसेस, और सेट बी वर्टिसेस वो हैं जो अभी कंसिडर आपने नहीं किए। तो सोर्स से सेट बी में से जो आप कोई नोड कंसिडर करने जा रहे हैं तो सोर्स से लेकर उस नोड तक आप सारा देखते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट वेट, स्मॉलेस्ट वेट हो उस पूरे पाथ का, पूरे पाथ का, और पाथ के अंदर फिर बहुत से एजेस आ जाएंगे। पीछे आप कैलकुलेट कर चुके होते हैं, सिर्फ अगला आप करते हैं और फिर उसकी बेस के ऊपर फैसले करते हैं। तो ये डायक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है, इसके अंदर भी ग्रीडी अप्रोच अप्लाई होती है। फिर हुफमान, ये जर्मन वर्ड है, हुफमान कोडिंग या हुफमैन आप कहेंगे अगर आप
नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन अगर जर्मन में बोलेंगे तो हुफमान, हुफमान कोडिंग है। ये जो है हुफमान कोडिंग, ये एक कंप्रेशन टेक्निक है, डेटा को या डेटा को कंप्रेस करने के लिए यूज करते हैं ये हुफमान कोडिंग, और ये लॉस लेस है, यानी कि नुकसान को कम करती है। क्या करती है? नुकसान को कम करती है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप बिट कोड, बिट्स 0 और 1 की फॉर्म में जो कोड है वो आप असाइन करते हैं, और उस कोड की जो लेंथ होती है वो वेरिएबल है, कहीं छोटी होगी कहीं बड़ी होगी, फिक्स लेंथ नहीं है। यानी कि जैसे ऑक्टल सिस्टम में तीन तीन पोजीशंस फिक्स हैं, तो ये कोई तो वेरिए यहाँ ये फिर लेंथ जो है वेरिएबल है, कहीं एक हो सकती है, कहीं दो लेंथ की स्ट्रिंग हो सकती है, कहीं तीन की, कहीं चार की, पांच की, एंड सो ऑन। तो इट असाइन्स वेरिएबल लेंथ बिट कोड टू डिफरेंट करेक्टर्स। हमारे पास कोई करेक्टर्स होंगे जो हम इनपुट लेंगे, करेक्टर्स ए बी सी डी, इस तरह करेक्टर्स होंगे जो हम इनपुट लेंगे, और चूंकि डेटा को हैंडल करना है ना, तो फिर उन करेक्टर्स को आप ये बिट कोड जो हैं असाइन करेंगे, और ये वेरिएबल लेंथ बिट कोड्स होंगे। इसमें जो ग्रीडी चॉइस है, जो ग्रीडी अप्रोच होगी, वो क्या है? वो ये है कि आपने करना ये है कि जो करेक्टर तो डेटा के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंट हैं, जो बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उनको आपने लीस्ट बिट लेंथ कोड, छोटे से छोटी लेंथ का कोड असाइन करना है आपने उनको। और इसका मतलब है कि जो फिर करेक्टर्स लेस फ्रीक्वेंट होंगे, उनकी जो लेंथ होगी कोड की वो ज्यादा होगी। तो ये हुफमान कोडिंग, ये हम इंशाल्लाह अपने इस लेक्चर में करेंगे। बाकी डायक्स्ट्रा चूंकि पहले देखा हुआ होता है, क्रूस्कल्स, मिनिमम स्पैनिंग ट्री या स्पैनिंग ट्री आपने देखा होगा, क्रूस्कल का नाम शायद साथ ना हो, इसी तरह प्रिम्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो आगे इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ इनमें से देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए जो आप हुफमान कोडिंग करेंगे, जो कि आपने श्योरली पहले नहीं देखा होगा, आसान सी चीज़ें हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। और जनरली मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का लेक्चर थोड़ा सा आसान होगा पिछले की निस्बत, और शायद हमें कुछ एक्स्ट्रा विजुअल एड्स की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, इसी तरह आपने ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सुना हुआ है, ट्रैवलिंग सेल्समैन। यहाँ पे पहला पॉइंट तो अभी ये कहता है कि जो ग्रीडी एल्गोरिदम है, जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा कि इसको आप ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर सकते हैं, ग्रीडी ग्रीडी अप्रोच को, तो यहाँ पे अब थोड़ी सी उसी तरह की बात है कि ऑप्टिमल प्रॉब्लम्स में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो एनपी हार्ड कहलाते हैं, नॉन पॉलीनोमियल प्रॉब्लम्स, उनसे मुराद ये होती है कि जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी नॉन पॉलीनोमियल हो। पॉलीनोमियल यानी कि x^3, n^2, n^3, ये पॉलीनोमियल है। अगर नॉन पॉली 3^n, ये फिर नॉन पॉलीनोमियल हो गया। तो एनी ऑफ मैं सिंपली यही करूंगा कि अगर एक्स वेरिएबल एक्स और उसकी पावर कोई कांस्टेंट हो तो ये पॉलिनोमियल है, तो अगर उसकी पॉलिनोमियल नहीं आती, उसे पीछे जब पॉलिनोमियल कम्प्लेक्सिटी नहीं आती किसी एल्गोरिदम की, पीछे उससे पॉलिनोमियल से लेस वाली जो कम्प्लेक्सिटीज हैं, जैसे एन है, लॉग ऑफ एन है, एन लॉग ऑफ एन है, ये भी फिर उसमें ऑब्वियसली नहीं आई, तभी आप वहां तक पहुंचे हैं। तो अगर नॉन पॉलिनोमियल है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये फिर ये प्रॉब्लम जो है ये थोड़ा सा एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स में आता है। तो एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स में फिर बाज़ुकात आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलते, आपको या ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो फिर आपकी अप्रोच होती है कि चलो अगर ऑप्टिमल नहीं मिलता तो उसके करीबी करीबी जो सॉल्यूशन हो कम से कम वही मिल जाए, यानी कि उसका अप्रॉक्सीमेट ऑप्टिमल सोल्यूशन ही मिल जाए, ऐसे कह लें। तो ग्रीडी एल्गोरिदम्स जो हैं वो इस मसले को सॉल्व करने के लिए भी यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिमल एल्गोरिदम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज हो जाते हैं, तो ग्रीडी एल्गोरिदम्स को इन मकासद के लिए भी यूज किया जा सकता है कि जहां आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन लेना तो बड़ा मुश्किल हो, तो फिर क्या है ऑप्टिमल सॉल्यूशन के करीब करीब, जिसको आप कहते हैं अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही ले लें कम से कम, तो वहां भी ग्रीडी एल्गोरिदम हम यूज कर सकते हैं।
तो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एक एनपी हार्ड प्रॉब्लम है, आपने पहले देखा हुआ होगा। और उसमें आप किसी करंट सिटी पे होते हैं और वहां से फिर आपने आगे नियरेस्ट अनविजिटेड सिटी को सेलेक्ट करना होता है और फिर विजिट भी करना होता है। और हर स्टेप में आपकी यही अप्रोच होती है कि आप करंट सिटी पे हैं और आगे फिर नियरेस्ट आप ढूंढते हैं सिटी। और ये आपकी क्या है, हर दफा आप नियरेस्ट ढूंढते हैं, ये ग्रीडी अप्रोच है। तो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अंदर भी ग्रीडी अप्रोच ही आप यूज कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वो जरूरी नहीं कि ये ग्रीडी अप्रोच जो है ना आपको हर दफा ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे तो जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आप कर ये सकते हैं कि आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन को छोड़ें और आप अप्रॉक्सीमेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही ले लें। तो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के करीब करीब कोई सॉल्यूशन है उसी को आप ले लें। तो ग्रीडी एल्गोरिदम को आप इन मकासद के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल पहली प्रॉपर एग्जांपल के ऊपर जो कि ग्रीडी एल्गोरिदम की एग्जांपल है। और इस एग्जांपल का नाम है या इस प्रॉब्लम का नाम है एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। इसमें आपके पास आपको n एक्टिविटीज दे दी जाएंगी, और उन एक्टिविटीज का स्टार्ट और फिनिश टाइम भी आपको दे दिया जाएगा। हर एक्टिविटी का स्टार्ट और फिनिश टाइम भी आपके पास होगा। आपने अब आप एक आदमी हैं, आप एक पर्सन हैं, आप रोबोट भी हो सकते हैं, कुछ भी, एनी हाउ आप एक पर्सन हैं, आपको ये एक्टिविटीज अब परफॉर्म करनी है। लेकिन आपको कुछ कंडीशन भी साथ ही साथ दी जाएगी और वो कंडीशन ये हो गया कि आपने स्टार्ट और फिनिश टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी इज गिवन टू यू एंड एन एक्टिविटीज आर गिवन टू यू। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज। आपने करना क्या है, एक मिनट, ये मेरा कर्सर गायब हो गया है और जब जब ये गायब होता है ना तो मसला आ जाता है। वेट करें, मैं पास भी नहीं कर सकता इसी तरह। जी ये रिकवर तो किसी तरह कर लिया, आप देखते हैं यहाँ पे अभी मेरे पास ये नहीं आ रही, शेयर स्क्रीन वाली ऑप्शन करूं। जी अब उम्मीद तो है कि अब हाँ जी ठीक हो चुका है। तो आपके पास ये, असल में जब मैं ये यूज करता हूँ मार्कर तो उसी वक्त ये मसला होता है। तो मैं ये दूसरा फिर मार्कर यूज कर लेता हूं। अच्छा, तो आपके पास n एक्टिविटीज हैं दी जाएंगी, उन एक्टिविटीज के स्टार्ट और फिनिश टाइम भी आपके पास मौजूद है। आपका काम ये होगा कि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज आपने परफॉर्म करनी है उनके स्टार्ट और फिनिश टाइम को देखते हुए। और एक वक्त में
और ये कंडीशन बताई हुई है कि एक वक्त में एक ही आदमी जो आप हैं, जो आपको दी गई है, तो आप ही सिर्फ एक वक्त में एक आदमी एक ही एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। ये मैं लास्ट में लिखा, एक वक्त में एक आदमी एक ही एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है, सिंगल एक्टिविटी एट ए टाइम। और आपने इसको मद्देनजर रखते हुए मैक्सिमम एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। अब जहरी बात है, कोई एक्टिविटी होगी उसका स्टार्टिंग टाइम फॉर एग्जांपल 1 है और उसका फिनिश टाइम 2 है, तो फिर नेक्स्ट एक्टिविटी आप उसी वक्त शुरू कर सकते हैं जबकि अगली एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम जो है वो पिछली एक्टिविटी के फिनिश टाइम के इक्वल या ज्यादा हो उससे। एक मिनट जी, मैं जी, तो फिर आपने उसी वक्त ही परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने जो एक्टिविटी से कहा, पहली एक्टिविटी अगर उसका स्टार्ट टाइम 1 है, एंड टाइम 2 है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी जो है आपने देखनी होगी कि फिर उसका स्टार्ट टाइम जो है पिछली एक्टिविटी के फिनिश टाइम के या तो बराबर हो या उससे बड़ा हो, फिर ही आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को आपने मद्देनजर रखना है। एक और बात इसमें होगी, यहाँ इस प्रॉब्लम में, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम में, कि जो भी एक्टिविटीज आपको दी गई होंगी, आपने सबसे पहले तो ये करना है कि फिनिश टाइम के लिहाज से उनको सॉर्ट आउट कर लेना है। तो ये कुछ फॉर एग्जांपल ये एक्टिविटीज हैं आपके सामने, बेशक ये ना भी दिया हुआ हो, ये बेशक ना भी दिया हो, कोई मसला नहीं है। ये जस्ट लेबल है कि एक्टिविटी 0 है, ये एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, 3, 4, 5, या बाद में देख सकते हैं। स्टार्ट और फिनिश टाइम दिया गया होगा, यहाँ से भी एक्टिविटीज का अंदाजा हो रहा है कि इसमें 3 और 3, 6 इसके अंदर एक्टिविटीज हैं। अब पहली एक्टिविटी आपने इन एक्टिविटीज को फिनिश टाइम के को देखते हुए शॉर्ट कर लेना है। जब शॉर्ट करेंगे तो छोटे टाइम के साथ, स्मॉलेस्ट टाइम के साथ एक्टिविटीज पहले आ जाएंगी और बड़े टाइम के साथ एंड पे चले जाएंगी, स्टार्ट के लिहाज से नहीं, फिनिश के लिहाज से। इसलिए मैंने यहाँ लाइन लगाई है। जब आप ये सो करेंगे तो उसके बाद आप इसको बेशक रख दें कि ये एक्टिविटी 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके नाम रखते हैं ऐसे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टार्ट और ये फिनिश टाइम दिया हुआ है और ये 6 एक्टिविटीज हैं, अगर मैं इसको परफॉर्म करूँ, पहले अगर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ पहली एक्टिविटी ये, तो इसका फिनिश टाइम है 2। अब जब ये मैं कर रहूँगा तो अगली एक्टिविटी में ये, इसका स्टार्ट टाइम 3 है, इसका मतलब ये अगली भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर ये 2 के बाद ये 3 है, इसका टाइम जो है स्टार्ट टाइम इससे इक्वल या बड़ा है, तो बड़ा है, तो इसका मतलब ये इसके बाद मैं ये कर दूंगा। अब इसका फिनिश टाइम 4 है, तो मैं ये नेक्स्ट वाली कर सकता हूँ 0, तो इस 4 से लेस है, नहीं कर सकता। ये 5 कर सकता हूँ, हाँ मैं ये 5 कर सकता हूँ क्योंकि ये इससे बड़ा है, तो उसके बाद फिर ये एक्टिविटी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब इसका 7 है, तो ये अगली भी फिर मैं सीक्वेंस में कर सकता हूँ। और 9 के उससे बड़ी कुछ नहीं है, ये 5 है, लेस है, तो ये मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो ये 4 सेलेक्ट हो जाएंगी, ये A0 है, ये A1 है, ये A3 है और ये A4 है। ये फिर आपके पास ये एक सेट आ जाता है। इसके अंदर और भी डिटेल्स हो सकती हैं, लेकिन अभी मैंने बड़ी इंतहाई शॉर्ट सी रखी है कि इतने लंबे चक्रों में आप ना पड़े। तो एनी हाउ, इस एग्जांपल के लिए द मैक्सिमम सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ सिंगल पर्सन इज A0, A1, A3, A4। और जब ये पहली सेलेक्ट की थी, बाजुका तो ये हो सकता है कि आप शुरू 0 से करें, जिसकी एक्टिविटी सबसे स्टार्ट टाइम में आप देख लेंगे सबका सबसे कम स्टार्ट टाइम किसका है, आप 0 पे आए, 0 से 6 पर जाएं, 1 आएगी आपके पास, फिर 6 के बाद तो कोई है नहीं, ये 8 वाली है, 8 से 9, तो आप सिर्फ 2 एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाएंगे। जबकि ये वाला जो है इसमें ज्यादा एक्टिविटीज, इस सेट में आप ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, इस सेट में आप ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। एनी हाउ, ये मैं पेन को क्लियर कर लेता हूँ और हम आगे चलते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमारी ग्रीडी अप्रोच क्या है वो आप देखें कि ग्रीडी चॉइस इज टू ऑलवेज पिक द नेक्स्ट एक्टिविटी हुज फिनिश टाइम इज लीस्ट अमंग द रिमेनिंग एक्टिविटीज। एक बात तो ये लिखी हुई है कि जिसका फिनिश टाइम जो है छोटा हो रिमेनिंग एक्टिविटीज में। यहाँ पे जब आप देखते हैं, ये जब पहले सारी एक पूरी एक्टिविटीज की अरे दी गई है, तो आप की अप्रोच क्या होती है, जिसका लीस्ट टाइम छोटा हो आप उसको सिलेक्ट करते हैं। इन सब में आपने सॉर्ट किया हुआ है, तो पहले पहले जो होगी वो लीस्ट टाइम के साथ होगी, तो पहले आप इस 2 को सिलेक्ट करते हैं।
इस एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं वन से टू वाली, उसके बाद फिर आगे टू, और उसके बाद फिर इक्वल या ग्रेटर वाली ऑप्शन है, फिर आपका चलता रहता है, फिर वो भी लिस्ट पे ही आता है। अब ये टू है तो ये थ्री के साथ आप इसको सिलेक्ट करते हैं इसको। तो पहली जो अप्रोच है, पहली अप्रोच आपकी ये, हुज फिनिश टाइम इज लीस्ट अमंग द रिमेनिंग एक्टिविटीज। एक तो ये, आप जो नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं तो ये बात इतनी ज्यादा आपने इसका ध्यान नहीं रखना, इस बात का, ये सिर्फ इनिशियल टाइम पे आपने ध्यान रखना है। जिस बात का ज्यादा ध्यान रखना है वो भी ग्रीडी चाहे ऐसा, वो यहाँ पे दी हुई है कि स्टार्ट टाइम इज मोर देन, अब ये भी इसी का है, नेक्स्ट एक्टिविटी। एक तो वो कह रहा है कि उसका फिनिश टाइम इज लीस्ट अमंग द रिमेनिंग एक्टिविटी, छोटा हो, ये अब आप शुरू में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और फिर मजीद ये है कि नेक्स्ट एक्टिविटी का जो स्टार्ट टाइम है इज मोर देन आर इक्वल टू द फिनिश टाइम ऑफ प्रीवियसली सिलेक्टेड एक्टिविटी, कि अगली एक्टिविटी का जो स्टार्ट टाइम है, अगली एक्टिविटी का जो स्टार्ट टाइम है वो पिछली एक्टिविटी के फिनिश टाइम से इक्वल या ज्यादा होना चाहिए। ये अगली एक्टिविटी ये है 3-4, तो इसका जो स्टार्ट टाइम है वो पिछली एक्टिविटी के फिनिश टाइम ये जो 2 है इसके इक्वल या इससे बड़ा होना चाहिए, ये वाली बात यहाँ पे कही गई है। तो ये पॉइंट इसका, ये इसकी ग्रीडी अप्रोच है। तो सबसे पहले जब आपको एक्टिविटीज दी जाएं तो आप सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि उनको फिनिश टाइम के लिहाज से उनको सॉर्ट कर लेंगे, उनको क्या कर लेंगे, सॉर्टिंग कर लेंगे उनके फिनिशिंग टाइम के लिहाज से। और फिर उसमें से जब आप सॉर्ट कर लें तो उसमें फिनिश टाइम के लिहाज से सबसे पहले जिसका फिनिश टाइम जो है शॉर्टेस्ट हो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आपने ये इनमें से फिनिश टाइम 2 है सबसे सिलेक्ट, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये एक्टिविटी 1 बनती है, A0 बनती है सॉरी। तो ये जनरली बात की यहाँ पे, फिर उसने स्टेप में कि अब आपने एल्गोरिदम में इसमें करना क्या है, सबसे पहले सॉर्ट द एक्टिविटी, ये रिपीट है, sort the activities according to their finish time, ये पहला step होगा, select the first activity from the sorted array, sorted array जब आपने कर ली तो उसमें पहली जो होगी वो ज़ाहिर बात है finish time के लिहाज से वो सबसे छोटी होगी, तो वो कह रहे हैं कि first activity को आप select करेंगे और उसको print कर देंगे, algorithm उसको print कर देगा कि पहली activity तो आ गई। फिर do following for remaining activities in the sorted array, अब sorted array में बाकी को साथ क्या करना है, आपने फिर check करना है कि start time जो next activity है उसका start time of this activity is greater than the finish, greater than or equal to, भी यहाँ कर लें, यहाँ थोड़ी सी गलती है, greater than or equal to the finish time of the previously selected activity, अगर ऐसा है then select that activity and print it, फिर उसको print करें। तो ये थोड़ा सा theoretically ये जो algorithm है activity selection problem उसके बारे में ये बात लिखी हुई है। अब आ जाएं आप जरा, अब हमें थोड़ा सा नो हाउ हो गया कि एक्टिविटी सिलेक्शन एल्गोरिदम चलता कैसे है, तो अब आप थोड़ा सा इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एक्चुअली ये आपके सामने ग्रीडी एक्टिविटी सिलेक्टर दिया हुआ है, इसके अंदर से पहले ये ऊपर डायग्राम देख लें कि ये आई एक्टिविटीज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 11। एस आई जो है ये स्टार्ट टाइम है किसी भी एक्टिविटी का, आई 1 का, 2 का, 3 का, ये स्टार्ट टाइम दिए हुए हैं और ये इनके फिनिश टाइम दिए हुए हैं fi। तो ग्रीडी एक्टिविटी सिलेक्टर के अंदर स्टार्ट टाइम की अरे और फाइनल फिनिश टाइम की अरे जो है वो इसके अंदर पास हो जाएगी। सबसे पहले तो s.length ये है, s इसकी लेंथ कितनी बनती है, तकरीबन 11 बनती है, तो n के अंदर ये आपके पास 11 आ जाएगा। और इसके बाद फिर a1 पहली एक्टिविटी को आप एक रे बना रहे हैं जिसके अंदर आप एक्टिविटी स्टोर करेंगे, जिसके अंदर फाइनली रिजल्ट होगा उसको आप ए का नाम दे रहे हैं। तो पहली एक्टिविटी जो है वो सॉर्ट की हुई है, अब ये एल्गोरिदम इसके अंदर अस्यूम्ड है कि हमारी सॉर्टेड है। अगर आप इसके ऊपर नजर जुड़ाएं 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ये क्या है, ये सॉर्टेड ही है, तो सॉर्ट आपने पहले कर लेनी है। तो अब यहाँ पे a1 पहली एक्टिविटी जो कि लीस्ट फिनिश टाइम के साथ ही होगी वो आपने पहली एक्टिविटी इसके अंदर आपने दे दी, ये वाली एक्टिविटी पहली, मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ, ये A1 एक्टिविटी A के अंदर आ जाएगी। K की वैल्यू 1 आपने इनिशियलाइज कराया, K को आगे कहीं लूप में कहीं यूज करेंगे हम इसको आगे, ये यहाँ पे यूज हो रहा है, K की वैल्यू 1 कर दी आपने। अच्छा यहाँ लूप लगा हुआ है फॉर m = 2 टू n,
टू से स्टार्ट होगा और एन आपके पास 11 है, 11 तक जाएगा। और यहाँ आप पहले चेक कर रहे हैं कि एस इंटू एम स्टार्ट में से एम टू है, यानी कि ये है एम टू, ये एस एस अरे के अंदर सेकेंड वाला, ये वाला, इसका स्टार्ट टाइम 3 है। तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ इंटू के, और के की वैल्यू क्या है 1, के की वैल्यू 1 है, यानी कि पिछली फिनिश एफ के अंदर से 1 वाली, ये वाली। तो आप इसको बेसिकली मैच कर रहे हैं इसको, कि 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एफ इंटू 1 जो कि ग्रेटर नहीं है, तो फिर ये आप कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे, एम की वैल्यू 3 हो जाएगी। एम की वैल्यू जब 3 हुई, फिर आप चेक कर रहे हैं कि एस इंटू 3, ये अब ये है एस इंटू 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एफ इंटू, अभी 1 नहीं है, अभी वो कोई आप के की वैल्यू अपडेट नहीं हुई, तो आप ये अब मैच कर रहे हैं इसके साथ कि ये कि क्या 0 0 जो है वो ग्रेटर देन एफ इंटू 1, ये भी नहीं है, तो फिर अगली, और फिर ये कुछ भी नहीं चलेगा, एम की वैल्यू 4 हो जाएगी, 2 3 के बाद 4, ये 2 थी फिर 3 चेक किया 4, तो एस इंटू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ इंटू 1। अब आप ये चेक करेंगे इसके साथ, तो 5 जो है वो ग्रेटर है एफ इंटू 1 से, यहाँ कंडीशन ट्रू हो जाती है और आप ए के अंदर यूनियन कर देंगे ए इंटू एम। एम की वैल्यू अब आपके पास ये थी, ये वाली एम की वैल्यू चल रही है, तो ये 4 की वैल्यू, ये ए 4 जो है वो भी ए अरे के अंदर आ जाएगा, ए 4, यानी कि ये 2 नंबर अब इस ए के अंदर आ चुके हैं जो ऊपर सर्कल्ड है ए के अंदर। और के की वैल्यू एम की वैल्यू 4 है, अब के की वैल्यू आपके पास 4 हो चुकी है, ये लास्ट वैल्यू 4 के की वैल्यू, यही वैल्यू जो है ये के की वैल्यू 4 हो चुकी है। फिर ये लूप चलेगा आगे 5 के लिए, के की वैल्यू 4, यानी कि हम एक्टिविटी 4 के ऊपर हैं, के की वैल्यू 5 होगी और 5 के एस इंटू 5 चेक होगा, ये 3 चेक होगा कि ये एफ इंटू के 4, ये इसके साथ चेक होगा कि ग्रेटर है नहीं है, फिर लूप आगे चला जाएगा और फिर इसके साथ चेक होगा ये ग्रेटर है जी इक्वल है नहीं है, फिर ये चेक होगा ग्रेटर इक्वल है नहीं है, फिर ये चेक होगा ग्रेटर इक्वल है या नहीं है, ये ग्रेटर है इसे। तो जब ये इसके ऊपर ये ग्रेटर हो जाएगा तो ये एक्टिविटी जो है ए इंटू 8, एम की वैल्यू अब उस वक्त क्या होगी 8 होगी, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ एम की वैल्यू कि ए 8, ये ए 8 इसको अरे के अंदर यूनियन कर दो, यानी कि ये पहले 2 होंगे, तीसरा ये भी आ जाएगा ए के अंदर, और एम की वैल्यू 8 जो है के की वैल्यू वो के अंदर अपडेट हो जाएगी और लूप फिर चलेगा आगे। अब हम इसके ऊपर मौजूद हैं और फिर चेक होगा आगे कि ये 8 इससे ग्रेटर है नहीं है, ये इससे ग्रेटर है नहीं है, ये इससे ग्रेटर है, ये 12 इससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर हो गया, तो फिर ये भी एक्टिविटी जो है ना ये भी अरे के अंदर लग जाएगी और एम की वैल्यू यानी कि 11 जो है वो इसके अंदर चली जाएगी, 11 to 11 ये लूप खत्म हो जाएगा। आप रिटर्न ए अरे को रिटर्न करेंगे और उसके अंदर ये वाली जो है ना ये आपके पास जो हाईलाइटेड सर्कल में एक्टिविटी A1, A4, A8 और A11 ये सबसेट जो है इसका रिटर्न हो जाएगा जो हमने यहाँ पे आगे दिखाया है। यहाँ पे ये A1, A4, A8 और A11 जो है वो लार्जेस्ट सबसेट ऑफ म्यूचुअली कंपेटिबल एक्टिविटीज का जो है ना ये रिटर्न होगा जब हम उस एल्गोरिदम को चलाते हैं। अगर ये एल्गोरिदम आप किसी और एक्टिविटी से शुरू करते, अगर ये एल्गोरिदम किसी और एक्टिविटी से शुरू करते, जी थोड़ा सा मैंने पॉज किया, बीच में कोई और एक्टिविटी आ गई थी, एनीहाउ, तो ये एक लार्जेस्ट सबसेट म्यूचुअली कंपेटिबल एक्टिविटीज का जो है आपके सामने एल्गोरिदम रन हुआ और उसने आपको दिए, तो कोई और लार्जर सेट सबसेट भी रिटर्न कर सकता है एल्गोरिदम अगर आप कहीं और से शुरू करते हैं एक्सप्लिसिटली, आप किसी या इस एक्टिविटी से फॉर एग्जांपल शुरू कर देते हैं, तो ये 6 के बाद ये 8 वाली आएगी 11 और फिर 12 3 आ जाएंगे इसमें, अगर इससे शुरू करते हैं 2 से 3 5 5 के बाद ये यानी कि A2 के बाद ये A7 आएगी और A7 के बाद फिर आपके पास A11 आ जाएगी ऐसे लग रहा है। यहाँ पे 8 2 4 9 11 उसने कहा है A2 और उसके बाद हाँ ये 3 5 और उसके बाद ये 4 5 इक्वल है
5 7, और उसके बाद 7 के बाद ये 8 पे आ जाएं, 8 8 11 भी हो सकता है, ये भी 8 है, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर इसको कर लें 8 12, और उसके बाद इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दो दो ऑप्शन है, कुछ तो नहीं कहना चाहिए, दो ऑप्शन। तो आपने अब इसकी रनिंग देख ली, तो ये ग्रीडी एक्टिविटी जो सिलेक्टर है, ये शेड्यूल्स ए सेट ऑफ एन एक्टिविटीज, एन एक्टिविटीज आप उसको कर देते हैं, वो एन एक्टिविटीज को ऑर्डर ऑफ एन टाइम में शेड्यूल कर देगा, एस्यूमिंग दैट द एक्टिविटीज आर सॉर्टेड इनिशियली बाय देयर फिनिश टाइम। अगर हम ये अस्यूम करके चले हैं कि वो पहले से सॉर्टेड है, अगर वो सॉर्टेड नहीं होगा तो आप किसी तरह उसको सॉर्ट करेंगे, और अगर आप सॉर्ट करेंगे तो मिनिमम टाइम भी आप जो उसके अंदर लगा सकते हैं तो वो लॉग ऑफ एन टाइम है, तो एन लॉग ऑफ एन हो जाएगा फिर उसका, अगर लूप के अंदर लगा हुआ है तो, अगर अलग है तो फिर यही रहेगा ऑर्डर ऑफ एन टाइम। तो ये लूप चूंकि एन टाइम चल रहा था, पहले से सॉर्टेड है, ये तो ऐसे सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स है, एंड टाइम चल रहा था और इसके अंदर ये इफ की ये कंपैरिजन लगा, फिर असाइनमेंट सिंपल 1 यूनिट ऑफ टाइम 1 यूनिट ऑफ टाइम, तो ये एंड टाइम चल रही है, तो ये एन आपका सिर्फ इस लूप को देख के और उसके अंदर मौजूद ये स्टेटमेंट्स को देख के, जो कि कोई ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, उनको देख के आप, क्योंकि ये 1 यूनिट ऑफ टाइम 1 यूनिट ऑफ टाइम ही लग रहा है इनके ऊपर, तो 1 प्लस ये कांस्टेंट ही है, तो वो एन टाइम ही, ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन ही इसका टाइम बन रहा है, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, आप आसानी से उसको वहां से लूप से अंदाजा लगा सकते हैं। ये फिर इससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स हैं जो आपको करनी है, आप इनको खुद ही पढ़ें और खुद ही इनको करें। जी, ये अब इसका लेक्चर का दूसरा पार्ट है, और इसमें अब हम दूसरा प्रॉब्लम जो ग्रीडी एल्गोरिदम्स का है वो करने जा रहे हैं, और ये है हुफमान कोड्स। इसके बारे में पहले मैंने थोड़ा सा बताया कि ये कंप्रेशन टेक्निक है, डेटा को कंप्रेस करने के लिए यूज होती है, और ये लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक है, जिससे मुराद ये है कि इसमें एक नुकसान को कम से कम करती है। इसमें हमें मालूम है कि हमने बिट कोड्स असाइन करने हैं और उनकी लेंथ जो है फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल लेंथ कोड्स जो है वो असाइन करने हैं, किसको, करेक्टर को, इनपुट करेक्टर्स को। और इसमें जो ग्रीडी चॉइस होगी वो ये है कि इसमें इनपुट करेक्टर की फ्रीक्वेंसीज आपके पास होंगी, कैलकुलेट कर लेंगे आप, और उसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट करेक्टर होगा, उसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, उसको आपने छोटे से छोटा कोड असाइन करना है, और जब ये करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली इस तरह हो जाएगा कि जो लीस्ट या लेस फ्रीक्वेंट करेक्टर होगा उसको फिर बड़ा बड़ा कोड ही ऑटोमेटिकली असाइन होगा। इसमें एक इशू आता है कि जब आप इनपुट कैरेक्टर्स को कोड असाइन करते हैं तो वो प्रीफिक्स कोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्स कोड्स की सिचुएशन उसमें आ जाती है। उसका मतलब ये है कि जब आपने किसी एक कैरेक्टर को या उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनको जब आपने कोड असाइन कर दिया, तो आपने ख्याल रखना है इस हुफमैन कोड के अंदर, तो वैसे ये होता है कि ये प्रीफिक्स कोड उस तरह चेक्ड हैं, तो जब आप कोड असाइन कर देते हैं किसी करेक्टर को, तो वो कोड जो है किसी और करेक्टर का प्रीफिक्स नहीं बनता,
नहीं बनता। हुफमैन जो है इस चीज को चेक करता है। ये एग्जांपल से मैं अभी क्लियर करता हूं, हुफमैन कोड इस चीज को चेक करता है कि प्रीफिक्सिंग तो प्रीफिक्स कोड प्रॉपरली प्रीफिक्स कोड है, यानी ये देख लें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि इससे क्या मुराद है। अगर फोर करेक्टर्स ए बी सी और डी हैं आपके पास, फोर करेक्टर्स, और उनकी अगर कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल लेंथ कोड्स अगर ये हैं उनके 0001 और 01, तो एक एम्बिग्युटी आती है कि अगर फॉर एग्जांपल दिस कोडिंग लीड्स टू एम्बिग्युटी बिकॉज कोड असाइंड टू सी, जो कि ये जीरो है असाइंड टू सी, इज प्रीफिक्स ऑफ कोड्स असाइंड टू ए एंड बी, ए और बी। ये जीरो जो है यहाँ पे भी ये प्रीफिक्स है इसका, पहले इसका पार्ट है ए का, और बी का भी ये जीरो पार्ट है, तो ये प्रीफिक्स हो रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है पहले, इसलिए इसको प्रीफिक्स कहा है। बाद में हो तो पोस्टफिक्स भी कह सकते हैं। तो ये एक एम्बिग्युटी इसमें आती है। इफ द कंप्रेस्ड बिट स्ट्रीम इज, अगर 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 आपके पास आपने कंप्रेशन अप्लाई कर दी और स्ट्रीम आपके पास ये 0001 आ रही है, तो जब इसको डीकंप्रेस कोई करेगा तो वो इसको इस तरह भी डीकंप्रेस कर सकता है कि जीरो क्योंकि सी के लिए है तो ट्रिपल सी, और वन चूंकि डी के लिए है तो ये ट्रिपल सी डी भी, उसको इस तरह भी डीकंप्रेस कर सकता है। इसको ये 00 ले लेगा, इसका 00 जो कि ए का है, और फिर 01 ले लेगा इसका जो कि बी का है। ए और बी भी बना सकता है वो, जैसे यहां पे बना हुआ है। इसको 00 और ये सी और डी भी लिख सकता है जैसे यहां पे बना हुआ है, या इसको 00 और बी 01 सी सी बी भी बना सकता है डी कंप्रेस करते हुए। तो ये इसके अंदर एम्बिग्युटी है। हुफमैन जो एल्गोरिदम है ये इस एम्बिग्युटी को जहन में रखता है और ये नहीं होने देता, यही बात कही गई यहाँ पे। दिस इज हाउ हुफमैन कोडिंग मेक्स श्योर दैट देयर इज नो एम्बिग्युटी व्हेन डी कोडिंग द जनरेटेड बिट स्ट्रीम। हुफमैन कोडिंग का एक और पोर्शन डीकंप्रेशन का भी है, वो अब शायद आप ना करें, तो वो डीकंप्रेशन करते हुए ये इस एम्बिग्युटी का ख्याल रखता है कि ये वाली बात इसके अंदर ना हो। तो हुफमैन कोडिंग, जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहले तो आप एक हुफमैन ट्री बनाते हैं इनपुट करेक्टर्स की, फिर आप उसको ड्राइवर्स करते हैं, और फिर उसको कोड असाइन कर देते हैं, दो पार्ट्स। अब हम इसको देखते हैं मजीद डिटेल में कि हुफमैन ट्री आपने बनानी है तो उसके स्टेप्स क्या हैं। तो इनपुट आपके पास एक अरे होगी, यूनिक करेक्टर्स की, करेक्टर्स की एक अरे होगी, यूनिक करेक्टर्स की एक अरे होगी, रिपीटेड करेक्टर्स नहीं है, और उनके साथ उन करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी भी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, कि वो उस फाइल के अंदर, उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो करेक्टर्स कितनी दफा आ रहे हैं। और फिर आउटपुट जो इसकी आएगी वो आपके पास हुफमैन ट्री आएगी। ये तो हुफमैन कोड्स करता है। तो पहले आपने क्या करना है, आपने एक लीफ नोड बना लेना है तमाम यूनिक करेक्टर्स के लिए, ईच फॉर ईच यूनिक करेक्टर्स के लिए आपने लीफ नोड बनाना है। क्रिएट ए लीफ नोड फॉर ईच यूनिक करेक्टर, हर अगर 6 करेक्टर हैं तो 6 लीफ नोड बन जाएंगे। एंड बिल्ड ए मिन हीप ऑफ ऑल लीफ नोड्स, और आपने एक मिनिमम, मिन हीप कहलाती है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, आपने हीप बनानी है, लेकिन वो मिन हीप होगी। मेन हीप इसलिए कहा है क्योंकि उसको आप ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके लिहाज से आप उसके अंदर नोड्स डालेंगे, तो वो मेन हीप जो होगी वो प्रायोरिटी क्यू की तरह की कोई चीज होगी। तो मेन हीप या वो जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें से फ्रीक्वेंसी के लिहाज से आप दो नोड्स को कोई आपस में कंपेयर करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे, और फिर उनके साथ आगे क्या करेंगे वो आगे यहां कहीं लिखा हुआ होगा, मैं अभी ये बात नहीं करता। और चूंकि वो मिन हीप होगी
तो उसमें भी सॉर्टेड फॉर्म, वो जो करेक्टर्स होंगे और उनकी जो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से वो सॉर्टेड ऑर्डर में लगे हुए होंगे। तो उसमें से जब आप पहले दो को आपस में कंपेयर करेंगे, या कंपेयर करने से पहले जो सबसे छोटा लीस्ट फ्रीक्वेंट करेक्टर होगा वही उसके रूट पे लगा हुआ होगा। अच्छा, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से सॉर्टेड प्रायोरिटी क्यू होगी, वो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से सॉर्टेड, चले प्रायोरिटी क्यू ही कह लें, अरे होगी। आपने उसमें से पहले दो नोड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, पहले दो नोड, जो दो नोड्स एक्सट्रैक्ट करेंगे वो उनकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम ही होगी, पहले की, और पहले की बिल्कुल कम और फिर दूसरे की उससे थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन कम होगी बाकियों से। तो आपने मेन हीप से दो नोड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी के। फिर आपने एक नया नोड बना लेना है, न्यू इंटरनल नोड बना लेना है, और जो दो नोड्स आपने एक्सट्रैक्ट किए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को आप सम करेंगे, सम ऑफ द टू नोड्स फ्रीक्वेंसीज, उनकी फ्रीक्वेंसीज को आप सम अप करेंगे, और सम अप करके जो भी उसका टोटल बन रहा है वो इस न्यू इंटरनल नोड की वैल्यू लिख देंगे। और फिर उस नोड के लेफ्ट में जो पहले एक्सट्रैक्ट किया आपने नोड मेन हीप में से, वो लेफ्ट में उसको चाइल्ड बना देंगे, और राइट में जो दूसरा नोड एक्सट्रैक्ट किया आपने मेन हीप में से, राइट में उसको चाइल्ड बना देंगे, और जो नया नोड बन जाएगा, ये नया नोड के नीचे ये चाइल्ड बनेंगे, और एड दिस नोड, और फिर जब ये हो जाए तो फिर जो आपने नया नोड बनाया है और साथ उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड या सब ट्रीज होंगी, उसको फिर आप मेन हीप के अंदर ऐड कर देंगे। और इस तरह ये स्टेप्स आप बार बार, ये जो स्टेप नंबर 2 और 3 है, ये दो स्टेप्स आप इन स्टेप्स को रिपीट करते जाएंगे हत्ता के हीप के अंदर सिर्फ एक नोड रह जाएगा, क्योंकि आप सम अप करते जा रहे हैं और नया नोड बनाते जा रहे हैं, सम अप करते जा रहे हैं, नया नोड बनाते जा रहे हैं, एक नोड रह जाएगा। अब ये जो एक नोड होगा, यही ये जो रिमेनिंग नोड है, ये फिर अब रूट रूट नोड होगा उस ट्री का, और ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये तो थ्रेटिकल डिस्कशन थी, अभी हम देखते हैं इसकी थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये बुक की एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे कॉपी पेस्ट की गई है कि ए बी सी डी ई एफ कोई करेक्टर्स हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी जो 1000 में, ये 45,000 है, ये 13,000 है, 12, इस तरह से जा रही है, शॉर्टली लिखा हुआ है। अगर फिक्स्ड लेंथ कोड वर्ड बनाएंगे, अगर ये जो फाइल थी वो बुक में लिखा हुआ है कि ये 0.1 मिलियन करेक्टर्स की फाइल थी, ये 1 लाख करेक्टर्स थे इस डेटा फाइल के अंदर, और उसमें से यूनिक करेक्टर्स ये डाले, अगर उसकी आप फिक्स्ड लेंथ कोड वर्ड के साथ, ये ऑक्टल सिस्टम के साथ उसकी अगर आप इनकोडिंग करेंगे, तो ज़्यादा ज़्यादा उसकी वो जो है 3 बिट कोड वर्ड के साथ उसके 3 लाख बिट्स बन जाएंगे। और अगर आप वेरिएबल लेंथ कोड वर्ड के साथ आते हैं हुफमैन के तहत, तो किसी को डिफरेंट डिफरेंट बिट स्ट्रिंग देंगे, तो वो अप्रॉक्सीमेटली वो कहता है 2,24,000 बिट्स ये कंप्रेस होके इस तरह करके आ जाएंगे। अभी तो ये जस्ट एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डिस्कशन है कि होगा कैसे, ये अब हम आगे देखते हैं। ये अब आपके सामने एक दिखाया गया है। सबसे पहले तो आपने इनकी सॉर्टिंग कर लेनी, ये जो ए बी सी डी सॉर्ट कर लें, ये 5, 9, 16, 12, 13, 15 ये आपकी अरे होगी, इनपुट अरे फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये आपने ये अरे सॉर्टेड फॉर्म में लगा ली, या वैसे भी वो प्रायोरिटी क्यू होगी, आप ना भी सॉर्ट करें तो वो लीस्ट वैल्यूज को ही सिर्फ उठाएगा हर दफा, लेकिन फिर उसको एंड टाइम चेक करना पड़ेगा, फिर उसमें से लीस्ट वैल्यू उठानी होगी, तो बेहतर है सॉर्ट कर लिख के आप एक ही दफा सॉर्ट कर लें, और जब इंसर्ट भी करें, वो नया नोड भी इंसर्ट करें, तो वो प्रॉपरली जगह पे लगाएं, तो हर दफ़ा वो सॉर्ट रहेगी, तो थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। एनी हाउ उसके बगैर भी कर सकते हैं और सॉर्टेड ऑर्डर में करने के बाद भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो ये आपको एफ की फाइव ये सॉर्टेड ऑर्डर में थोड़ी सी आपको नज़र आ रही है कि ये नोड्स हैं और उनकी ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें से ये पहले दो आप सेलेक्ट करते हैं,
नौ और पांच आप एक नया नोड क्रिएट करेंगे, जहरी बात है, नौ और पांच पहले 14 करेंगे, ये 14 के साथ 14 की पोजीशन, ये 12 13 के बाहर बनती है, 12 13 यहाँ पे 14 आता है, 14 की पोजीशन ये बनती है। तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि ये 14 इंसर्ट किया नया नोड और 9 और 5 14 इसकी वैल्यू दिखाई, और लेफ्ट में डालेंगे ये पहले वाले को, पहले वाले को ये लेफ्ट में और दूसरे वाले को राइट में डालें। लेफ्ट में डालने वाले को 0 लेबल दें और राइट में डालने वाले को 1 लेबल दें। ये एक नया नोट आपने सम अप करके ऐड कर दिया मेन हीप के अंदर, ये फॉर्म आ जाएगी। अब इसके बाद फिर ये दो आप सिलेक्ट करेंगे, ये मिनिमम है 12 और 13 जो कि 25 बनता है, और 25 की जो जगह बनती है, 25 की एग्जैक्ट जगह ये 16 और 45 के बीच में है। तो यहाँ 25 को आपने इंसर्ट किया लेफ्ट में, आपने उसी तरह ये 12 डाला और 13 को आपने राइट में डाला, 0 और 1 का लेबल दिया आपने, ये इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। अब ये नोड हैं 14 16 25 45, तो इसमें से ये अब दो मिनिमम है, अब इनकी बारी हो। 16 और 14 30 बनता है और 30 की जगह इन दो के दरमियान बनती है 25 और 45 के, तो आपने 30 इंसर्ट किया और इसके लेफ्ट में ये वाली पूरी सब ट्री डाली, ये वाली पूरी सब ट्री जो है ये 0 लेबल दे के ये पूरी सब ट्री यहाँ पे डाल दी, और इसके राइट में ये 16 और 14 को आपने 30 बनाया था, तो राइट में ये फिर ये डी वाली ये ट्री इसके 1 के साथ यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर मेन हीप के अंदर ये नोड 1 2 3 है, ऊपर पड़े 25 और 30 मिनिमम है, तो इनको आप एड अप करें, 55 बनता है और 55 की जगह 45 के बाद बनती है, तो ये 55 आपने डाला और 0 साइड पे ये 55 किस तरह बनाया, 25 और 30 55, तो ये 25 वाली जो है ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगी सब ट्री, ये 0 लेबल दिया और ये 25 वाली यहाँ पे आ गई, और ये 30 है, 30 वाली जो राइट पे लगेगी ये 30 वाली 1 के लेबल के साथ ये राइट पे आपने लगा दी 55। अब ये दो रह गए हैं, तो 45 और 55 को ऐड किया 100 बना, और ये ए 45 आप 0 के लेबल के साथ इधर आ गई, और 1 ये पूरी जो ट्री है, ये पूरी जो ट्री है ये आपकी यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आ गई, और कोड ऑटोमेटिकली बन रहा है ये जो 010। अब फॉर एग्जाम्पल ये सी का कोड क्या है, सी का कोड है 0 फिर ये 0 और ये 1। ए का कोड ये सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट था और इसका कोड सिर्फ 0 है। अच्छा, अब इसमें अगर देखें तो एफ जो था वो लीस्ट फ्रीक्वेंट है, एफ का कोड फिर ये 0011 बनेगा, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी इनकोडिंग हो रही है। तो ये हुफमैन कुछ इस तरह चीजें करेगा, अभी आपने उसको वैसे देखा, तो ये अब इसका एल्गोरिदम आ गया है जो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कर देता है जो आपने देखी। इसमें सी ये जो है इनपुट करेक्टर्स की एक अरे इसमें से पास हो गई, यही अरे आप इसको यही अरे या आपके पास यही अरे ले लें, ये जो ए टू एफ गई पास हो गई इसमें से। फिर करेक्टर्स की ये जो सी थी इसकी जो लेंथ कैलकुलेट की आपने करेक्टर्स की अरे की, ये 1 2 3 4 5 6 है इसकी लेंथ, और ये एन के अंदर आपका आ जाएगा 6। और फिर सी के अंदर जितने करेक्टर्स हैं आपने उसको एक मिनिमम हीप क्यू के अंदर डाल दिया, लूप लगाया फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n-1 जो कि अब 5 दफा चलेगा, 1 2 3 4 और 5 5 दफा चलेगा। वो क्यों चलेगा आपको अंदाजा हो गया, इधर से 2 पकड़ता है और उसको ऐड कर देता है, एक ये एक दफा चला यहां से, ये एक दफा इसने सम अप किया ऐड, एक दफा फिर 2 3 4 और 5 दफा ये चला है, 6 थे 5 दफा चला। तो अब आपने क्या करना है, एलोकेट एक नया नोड बनाना है, उसका नाम जेड है, जेड नोड है, तो जेड एक नया नोड आपने बना लिया। ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास अरे थी, मैं इसको क्लियर करता हूं,
क्लियर कहाँ गया? ये आपके पास ये क्या है, एक अरे थी, आपने एक नया नोड बनाया, यहां पे आपने एक नया नोड बना लिया, अभी ये नोड खाली है, फिर मैंने ही में से एक्सट्रैक्ट किया, मिनिमम एक्सट्रैक्ट किया, इसका अलग से फंक्शन भी बना सकते हैं एक्सट्रैक्शन और मिनिमम, लेकिन अभी हम कोड आसानी से समझने के लिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हमने मिनिमम उसमें से एक्सट्रैक्ट किया, जब मिनिमम एक्सट्रैक्ट किया तो ये आ गया आपके पास F5, वो F5 एक्स के अंदर आया, आपने फिर ये नया नोड जेड के लेफ्ट में, ये जो F5 था वो आपने जेड जेड नोड जो आपने बनाया हुआ है, ये नोड आप कह लें कि ये जेड है, और इसके लेफ्ट में आपने बना लिया, अब ये F आ गया इसके लेफ्ट में, और फिर एक्सट्रैक्ट में अगला एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपके पास अगला एक्सट्रैक्ट E9 आ जाएगा, और उसको Y में डाला, और फिर Z डॉट राइट, इसको आप E, इसको क्या E बोल देंगे, ये लेफ्ट चाइल्ड बन गया, आपने ये X डॉट फ्रीक्वेंसी, X की फ्रीक्वेंसी जितनी भी है 5 थी, Y की फ्रीक्वेंसी 9 थी, सम अप किया 14 आया, और Z की फ्रीक्वेंसी बना दी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी 14 बन गई, जो कि आपको यहां पे नजर आ रही है, नजर आ रही है। अच्छा, अब आप कह सकते हैं कि इसमें ये 01 जो आपने लेबल दिया वो कहाँ है, तो वो आप उसके लिए यहाँ पे डाल सकते हैं कि एक्स डॉट लेफ्ट का जो एज है उसकी वैल्यू आप 0 कर दें, 1 कर दें, इसमें तो नहीं बनाया हुआ पार्ट, लेकिन आप खुद कर सकते हैं, इसमें स्टेटमेंट दे सकते हैं। अच्छा, जब ये बन गया तो इंसर्ट क्यू के अंदर जेड, ये मेन हीप के अंदर जेड डाल दो, वहां से तो ये एक्सट्रैक्ट हो गए थे, एक्सट्रैक्ट हो गए तो वहां से रिमूव हो गए, क्योंकि क्यू है ना, क्यू का आपको पता है, वो उसमें से या निकलते हैं या डलते हैं, तो क्यू में फिर जेड डाल दिया, और यहाँ पे आप देखें कि ये जेड इसमें डल गया प्रॉपर पोजिशन पे, सॉर्टेड है, तो वो सॉर्टिंग का ख्याल रखें, एल्गोरिदम में इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया, लेकिन आप ख्याल रख लें, ये एल्गोरिदम उस तरह से कंप्लीट नहीं है जो हर चीज को हैंडल करे, सिर्फ आइडिया दे रहा है आपको। अब ये डल गया, फिर अगली दफा 2 होगा, आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, फिर नया जेड बनेगा, 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, फ्रीक्वेंसीज ऐड होंगी, तो हम ये पहले ये देख चुके हैं, फिर अगली दफा ये दो 12 और 13 के 25 बना, और ये डाला उसने, और ये फिर आगे वो भी बना दिए, इसी तरह फिर अगर फिर लूप चलेगा, ये बना देगा 30, फिर अगली दफा ये चलेगा, ये कर दिया, ये आसान है, और फिर फाइनली ये वाली बन जाएगी, तो ये करते करते ये 5 दफा चला, इसने आपकी मेन हीप का ये पोजीशन बना दी, ये जो यहाँ पे आखिरी फाइनल नजर आ रही, और फिर आप उसको रिटर्न एक्सट्रैक्ट मेन, और उसको फाइनली उसको प्रायोरिटी क्यू को या मेन हीप को आप रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न द रूट ऑफ द ट्री, तो ये फाइनली ये रूट ऑफ द ट्री या पूरी ट्री, आपके पास रूट अरे का फर्स्ट वो आ जाए, जैसे अरे रिटर्न करवाते हैं तो बाकी एलिमेंट्स आप सिंपली इंक्रीमेंट से ही ले लेते हैं, तो आपके पास रिटर्न हो जाएगी पूरी ट्री, ये पूरी ट्री कोड के साथ आपके रिटर्न हो गई। अच्छा, अब थोड़ा सा इसकी कम्प्लेक्सिटी पे नजर दौड़ा लें। अच्छा, ये जो मेन हीप होती है, क्यू इज इम्प्लीमेंटेड एज ए बाइनरी मेन हीप, बाइनरी मेन हीप हमने यहाँ पे 2-2 चाइल्ड हैं इसके सारे, ये बाइनरी मेन हीप, तो बाइनरी मेन हीप के तौर पे अगर किसी क्यू को जो इम्प्लीमेंटेड किया है वो आपका चैप्टर 6 में है, और आप पिछले कोर्स में ये देख भी चुके हैं, मैंने यहाँ रेफरेंस दे दिया कि आप पीछे जाके चैप्टर 6 में देख लें कि बाइनरी मेन हीप कैसे बनाई जाती है। अच्छा, आगे फॉर ए सेट ऑफ सी ऑफ एन कैरेक्टर्स, ये जो एक अरे है इसके अंदर ये सी जिसके अंदर कैरेक्टर्स हैं एन कैरेक्टर्स, द इनिशियलाइजेशन ऑफ क्यू इन लाइन 2 कैन बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर ऑफ एन टाइम यूजिंग द बिल्ड मिन ही प्रोसीजर, और ये सेक्शन ये उसी चैप्टर के अंदर सेक्शन 6.3 एक इसी चैप्टर के अंदर सेक्शन 6.3 है जिसके अंदर इनिशियलाइजेशन के मेन हीप के अंदर जब एलिमेंट डालने हो तो मेन हीप को कैसे बिल्ड किया जाता है, सेक्शन 6.3 में भी आप जाके देख सकते हैं,
यहाँ पे उसकी डिटेल नहीं दी, यहाँ पे बस वैसे डायरेक्टली हमने कह दिया कि सी को हम क्यू के अंदर डाल रहे हैं, मीन ही बिल्ड कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं लाइन टू जो है। तो ये जितने करेक्टर्स होंगे उतने टाइम्स ही होता है, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम इसकी कम्प्लेक्सिटी है अगर आप इस तरह इनिशियलाइज कराते हैं। और ये लूप से बाहर है, तो इसकी जो भी कम्प्लेक्सिटी होगी उसके अंदर ये प्लस हो रही है, एन प्लस जो भी है, और अगर ये छोटी हुई तो इग्नोर हो जाएगी, यानी कि बड़ी होगी कम्प्लेक्सिटी इसके आगे कोई और एनी आओ आगे देखते हैं। द फॉर लूप इन लाइंस 3 to 8, अब 3 to 8 यहां से ये यहां से यहां तक, ये जो फॉर लूप है ये तो 5 times चल रही है, हमें पता है ये नया नोड साइन सिंपल एक स्टेटमेंट है। ये एक्सट्रैक्ट मिन वाला जो है ना, मिनिमम नंबर एक्सट्रैक्ट करना प्रायोरिटी क्यू में से, ये जो ऑपरेशन होते हैं प्रायोरिटी क्यू के मेन हीप के, ये लॉग ऑफ एन टाइम लेते हैं, शायद यहाँ के कहीं जिक्र हो, बार 3 to 8 इज एग्जैक्टली एन माइनस 1 time, यानी कि एन टाइम ही, एंड सिंस ईच लूप ऑपरेशन रिक्वायर्स, ईच हीप ऑपरेशन रिक्वायर्स ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन, सो द लूप कंट्रीब्यूट्स एन लॉग ऑफ एन टू द रनिंग टाइम ऑफ। अच्छा, ये वाले जो ऑपरेशन हैं ये लॉग ऑफ एन टाइम्स में होंगे, ये क्या होंगे, ये आप उसी जब चैप्टर 6 को पढ़ा है पढ़ लें, या ये पिछले कोर्स में जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो उनको पता है कि ये ऑपरेशंस लॉग ऑफ एन परफॉर्म करेंगे, लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ एन, तो 2 log of n हो जाता है, 2 constant है, इग्नोर कर देंगे, लॉग ऑफ एन आपके पास आ जाएगा। ये बाहर एन है और इसके अंदर लॉग ऑफ एन है, तो एन लॉग ऑफ एन इसके ऊपर ये वाला भी अगर आप एन करें तो ये एन प्लस, ये इसके बीच में प्लस हो जाता है, तो प्लस में ये एन लॉग ऑफ एन ये ज्यादा बड़ी है, वो ये छोटी है, तो छोटी को आप इग्नोर कर देते हैं, तो एन लॉग ऑफ एन इसकी कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी फाइनली फाइनली इस हुफमैन एल्गोरिदम की एन करेक्टर्स के लिए। तो ये आपने इसकी थोड़ा सा टाइम कम्प्लेक्सिटी देख ली, आगे इससे मुतल्लिका जो असाइनमेंट्स हैं ये उनका जिक्र किया गया है, और यहाँ पे ये बात यहाँ ख़त्म होती है। तो अच्छा जी, ये तो फिर हुफमैन जो कोडिंग है उसकी ये असाइनमेंट्स हैं, और उम्मीद है आप इसको खुद ही पढ़ेंगे और खुद ही करेंगे। मैं इसको गूगल क्लासरूम पे जब मौका मिलेगा तो मैं इसको ऊपर वहाँ लगा दूंगा ताकि फिर आप इसको सबमिट कर सकें। यहाँ पे ये फिर एंड होता है, और इंशाल्लाह क्लास में फिर क्वेश्चन आंसरिंग होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।